पालघर जिला में लगातार मूसलाधार बारिश ने पिछले कई दिनों से तबाही मचा रखी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पालघर के कई क्षेत्रों को हाई अलर्ट कर दिया गया। इसी क्रम में मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे के लिए वैतरणा नदी पर दहिसर और बहाडोली गांव के बीच एक पुल का निर्माण काम चल रहा था, वहीं अचानक वैतरणा नदी में बाढ़ आने से 10 मजदूर फंस गए। ये मजदूर पिछले 18 घंटे से यहां फंसे हुए थे। एनडीआरएफ रात में कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरा होने से बचाव कार्य रुक गया। लेकिन गुरुवार की सुबह सफलता के साथ अभियान फिर से शुरू किया गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की मदद से इन सभी कर्मियों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। पालघर तालुका में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण वैतरणा नदी का बहाव ज्यादा हो गया, जिसके बाद से पालघर जिले को बारिश के लिए रेड अलर्ट दिया गया। वैतरणा नदी की सहायक नदियों पर बने बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया गया। इससे वैतरणा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पेश है पालघर से मयंक रावत की रिपोर्ट।